भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना स्थापना दिवस मनाया और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर भी एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम और तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। पार्टी का झंडा फहराया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज से भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक न्याय सप्ताह की शुरुआत की है, जो 14 अप्रैल तक चलेगा, जिस दौरान पार्टी के जो अलग अलग मोर्चे हैं, चाहे ओबीसी मोर्चा हो, दलित मोर्चा हो, ये सभी लोगों के बीच में जाके, अपने से जुड़े हुए जो समाज के लोग हैं उनके बीच में जाके भारतीय जनता पार्टी ने जो उनके लिए काम किया उसके बारे में बताएंगे। इसके साथ ही आज से भारतीय जनता पार्टी ने एक दीवार लेखन यानी वॉल राइटिंग का भी कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आज नरही के पास इलाके में पहुंचे और आप देख सकते हैं वो वॉल राइटिंग है जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन चौधरी ने की। उन्होंने यहां पर एक कमल का फूल बनाया और उसके नीचे लिखा, एक बार फिर से भाजपा सरकार। और इसके साथ ही अब जो तमाम जिला अध्यक्ष हैं, महानगर के अध्यक्ष हैं या अन्य पदाधिकारी हैं, वो भी अपनी अपनी जगह पर इसी तरह से वॉल राइटिंग का कार्यक्रम करेंगे। हनुमान जन्मोत्सव और भाजपा का स्थापना दिवस एक ही दिन पड़ा तो पीएम मोदी ने भाजपा की तुलना, भाजपा के कार्यकर्ताओं की तुलना पवन पुत्र हनुमान से कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरह से पवन पुत्र हनुमान के लिए कोई भी काम मुश्किल या असंभव नहीं था, जब जरूरत पड़ी तो भगवान लक्ष्मण के लिए वो पूरा पर्वत उठा लाए, उसी तरह से भाजपा लगातार लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयासरत रहती है और आगे भी इसी तरह से प्रयास करती रहेगी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जब राक्षसों का सामना करना हुआ तो पवन पुत्र हनुमान उतने ही कठोर हो गए। इसी तरह से जब बात आती है भ्रष्टाचार की, परिवारवाद की, कानून व्यवस्था की, तो भाजपा भी उसी तरह से संकल्पबद्ध हो जाती है। कहीं ना कहीं अपने भाषण के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ जहां भाजपा की नीतियों के बारे में बात की तो वहीं दूसरी ओर विपक्षियों पर हमला भी साधा। आज हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री जी माने मोदी जी ने हम सबका मार्गदर्शन किया है और पार्टी की ओर से जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं आज, उस कार्यक्रम में 11 बजे भारतीय जनता पार्टी के माने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये स्लोगन एक बार फिर से भाजपा सरकार, इस स्लोगन की शुरुआत की है। उन्होंने 11 बजे दिल्ली में ये दीवार लेखन के माध्यम से इस अभियान को शुरू किया है। सभी 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 प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्षों के द्वारा मुख्यालयों में 1 बजे हम लोगों ने किया है और आगे आज ही सभी जिला अध्यक्षों के द्वारा, सभी मंडल अध्यक्षों के द्वारा, सभी बूथों में इस अभियान को हम लोग पूरा करेंगे। हमारी पार्टी का जो कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को दोहराते हुए एक बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आह्वान है कि फिर से एक बार भाजपा सरकार, इस संकल्प को हम सब कार्यकर्ता अपने प्रदर्शित करते हुए और इस संकल्प को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जो हमारी सरकारों ने काम किए हैं मोदी जी के नेतृत्व में, पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और एक बार अपील करेंगे, अपने संकल्प के साथ आग्रह करेंगे कि एक बार पुनः मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बने। इस अभियान के साथ हम लोगों ने इस विषय को शुरू किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।